एआई एक समय आएगा बहुत डेंजरस हो जाएंगे सर, सोच रहा एआई बहुत उटपटांग टाइप के हो जाएंगे सर, जैसे उड़ीसा ट्रेन हादसा है, तो ये पूरे देश के लिए संकट का विषय है। अब बोलते बोलते जो इंसान एक साथ 250-300 लाश देख लेगा उसके हाल क्या होगे, रोने लगे थे। इसके मिसयूज बहुत भयानक होंगे एआई के। चैट जीपीटी ओपनएआई, इसने पूरी तरह से तहस नहस करके रखा पूरी इंडस्ट्री को, चैट जीपीटी। ये चैट जीपीटी की विशेषता ये थी कि डेटा एक जगह से नहीं लेता था, कई जगहों से डेटा को क्या करता था, इकट्ठा कर लेता। एआई एक समय आएगा बहुत डेंजरस हो जाएंगे सर, सोच रहा एआई बहुत उटपटांग टाइप के हो जाएंगे सब, एआई वगैरह में कुछ भी कहिएगा कुछ हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए किसी की मृत्यु हुई, जैसे उड़ीसा ट्रेन हादसा है, तो ये पूरे देश के लिए संकट का विषय है। लेकिन अगर ये राजनीतिक मामला रहता तो कोई रो रहा होता तो आप उसे हंसता दिखा सकते। हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव साहब भावुक हो गए थे, इतनी देखिए वो इंसान वहां पे खड़े होकर ट्रेन को ले, मतलब एक हफ्ता से, मतलब 3-4 दिन से वहीं है। अब बोलते बोलते जो इंसान एक साथ 250-300 लाश देख लेगा उसके हाल क्या होगी, रोने लगे थे। इंसान है वो भी इंसान, कितने बड़े आ जाएंगे, हृदय तो वो इतना ही रहता है। अब एआई टेक्नोलॉजी ऐसा है कि वो रोते को 5 मिनट में हंसता बना देगा, और उसके बाद ट्रोल करने वाले ट्रोल कर देंगे सब, देखो ये कैसा आदमी है। इसके मिसयूज बहुत भयानक होंगे एआई के, अब पकड़ते रह जाएंगे। और हमारे यहाँ क्या है ना कि लोग कहते हैं तो मान जाएंगे, और हमारे यहाँ एक नेताओं का एक फेमस डायलॉग है, फ्रांस का एक इतिहासकार ने ऐसा बोला था, अब ना उस इतिहासकार फ्रांस का था भी या नहीं, बस आपको एक टेढ़ा मेढ़ा नाम चाहिए, समझ में आएगा। जैसे अगर कहना है आपको बिहार के बारे में कि बिहार में पहले पेट्रोलियम निकलता, कुछ भी बोलना है अगर बढ़ा चढ़ा के, तो आप कहिए फ्रांस का सिल्वाडोर नामक एक इतिहासकार था जिसने मुजफ्फरपुर के बारे में ऐसा बोला था कि मुजफ्फरपुर में आने से पूरा रोग खत्म हो जाता है। वाह वाह फ्रांस, वाह, उसे चुना ना फ्रांस का था ना उसका नाम था वो। तो हमारे भारत जैसे देश में एआई बहुत दिक्कत हो जाएगा, हमारे यहाँ लोग नेताओं की बात को ऐसे ही मान जाते हैं सही में यहाँ पे। तो ये चैट जीपीटी वाला याद रखिएगा, इसने सबसे ज्यादा तांडव मचाया, ओपन एआई। समझा, एआई का बहुत अच्छा फायदा भी है। एआई का फायदा इतना है, ऑटोमेशन बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं, आप देखेंगे लेजर शो प्रोग्राम होते हैं, ड्रोन से डांस हो जाते हैं, ड्रोन कुछ कुछ बना देते हैं, एआई की टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑटोमेशन इतना तेज हो गया है कि अब जो जहाज आ रही है पैसेंजर जहाज, उसमें बस पायलट की जरूरत 8 मिनट तक के लिए है, उसके बाद ऑटोमेटिक जहाज को वो क्या कर देता है, उड़ा देता है। तो इतना एडवांस है, लेकिन हर चीज के निगेटिव इंपैक्ट भी पड़ते हैं सब यहाँ पे। तो चैट जीपीटी समझ में आ गया आप लोगों को।